बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन ने 30 नवंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल करके आंदोलन की मुहिम फिर से छेड़ दी है। बता दें कि आजीविका मिशन कर्मचारी 75 जिले में कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। वहीं आंदोलन को तेज होता देख आला अधिकारियों ने मिशन मुख्यालय में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा की अगुवाई में दो बार वार्ता की है और प्रतिनिधि मंडल से कार्य बहिष्कार को खत्म करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक धरातल पर हमारे लंबित लाभ प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि यूपीएसआरएलएम के कर्मचारी हैं और हमारी 10 साल पूर्व से जो एचआर पॉलिसी लागू है जिसमें हम लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि थी और ट्रांसफर किया जाता था लोगों का, और इसके सिवा जो भत्ते दिए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। वेतन वृद्धि आज तक नहीं दी गई, 10 साल पुराने वेतन पर लोग कार्य करने को बाध्य हैं। इसके सिवा भत्तों बंद करने से जो हमारी इफेक्टिव सैलरी है और कम हो गई है, इंक्रीमेंट तो मिला ही नहीं, सैलरी और कम हो गई है। इसके सिवा जो हमारे साथी मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी लागू नहीं है हमारे संस्थान द्वारा। जी मैं बदायूं का रहने वाला हूँ और मदरसा आधुनिकरण जो योजना है उसका आधुनिक शिक्षक हूँ और मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। और कहने के लिए देखिए, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और अल्पसंख्यकों का अधिकार तो दूर की बात है, जो हमारा अधिकार आधुनिकरण टीचरों का वेतन है वो हमको नहीं मिल रहा है। पिछले 6 साल से हम इसके लिए तड़प रहे हैं और हमको वेतन नहीं दिया गया है। ये योजना 1993 में